हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडिस्तान इंडिया। आज हम आए शैम्बीज कैफे। यहाँ पे इनकी स्पेशलिटी मिलेगी काशापुरी और इन्हें कहा जाता है जॉर्जन चीज़ ब्रेड। तो हम लोग इनकी पूरी मेकिंग देखेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहना। ये बेस किस चीज का होता है? जॉर्जन, ये अपना मैदे का बेस बनता है। चीज ये आप क्या डाल रहे हो? ये क्या है सर? पनीर। पनीर, ये पनीर। ये क्या ऐड कर रहे हैं? पेरी पेरी मसाला। ये यहाँ के ओनर है। हाँ। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरप्रीत है। हाँ। हम लोगों ने जब डिश बनाया, इसका नाम है खाचापुरी। खाचापुरी बेसिकली ये जॉर्जियन चीज ब्रेड है। रेसिपी जो जॉर्जिया से है। हाँ। और अगर आप एक्चुअली देखेंगे, जॉर्जिया में ये नॉन वेज में बनता है, एग में बनता है, चिकन में बनता है। बट वी आर इन इंडिया, इंडिया में लोग प्रेफर करते हैं वेजिटेरियन। हम लोगों ने इसको थोड़ा इनोवेशन करके अलग अलग तरीके से बनाया है। जैसे हमारे पास करीब करीब पनीर खाचापुरी है, हमारे पास पनीर मखनी खाचापुरी है, हमारे पास जोड़ी वेसी खाचापुरी है, और हमारे पास प्लेन चीज़ खाचापुरी है, जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है। बेसिकली वो इनोवेशन हम लोगों ने करके इंडियन मार्केट के हिसाब से उसको अलग अलग टेस्ट दिए हैं। और ये जो रेसिपी है, हम लोगों ने अपने हिसाब से थोड़ा उसको मॉडिफाई किया है इंडियन पैलेट के, इंडियन टेस्ट के हिसाब से। इसमें जो बेस है उसमें हम कुछ स्पेशल मसाले डालते हैं,
जो बेस है उसमें स्पेशल मसाले डालते हैं जिससे आपको बेस में अलग से टेस्ट आएगा, तो फ्रेश टेस्ट आएगा। और ये हम लोग वुड फायर पिज्जा ओवन में कुक करते हैं जिसकी वजह से आपको एक थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आता है। तो वो जैसे आपने देखा वुड फायर में बनाया, तो जैसे आप बारिश में मच्छी खुशबू आती है वैसे आपको इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। ये हमारी स्पेशलिटी है, हमारी यूएसपी है। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या है? इसके अलावा हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, फ्रेश बेस्ड पिज्जाज हैं, ब्रेड्स है, गार्लिक ब्रेड्स हैं, सैंडविचेस हैं, रैप्स है, हमारे पास चाइनीज थाली है विच इज हमारे पास से बुकिंग कर दिया ओनली मैंने, दो लोगों के लिए काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास रैप्स है, हमारे पास रेंज ऑफ शेक्स है। आपकी होटल कितनी ब्रांचेस हैं अभी? हमारी मुंबई में तीन है, थाने कोचर रोड में है, अंबरनाथ में जो हमने फर्स्ट शुरू किया था, और ये उल्लासनगर में हमने 10 दिन पहले शुरू किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी है पंचायती आउटलेट ऑफ मुंबई, 7 पंचायती आउटलेट हैं हमारे पास जो दिल्ली, चंडीगढ़, अजमेर, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और कुंभकोणम में है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आउटलेट ओपन हो रहा है वो त्रिवेंद्रम में ओपन हो रहा है। ओके, तो फ्रेंचाइज एक्सपांशन के हम लोग काफ़ी ध्यान दें। ये काचा पूड़ी की रेसिपी सिर्फ आपकी स्पेशलिटी आपके पास ही है, इंडिया में और किसी के पास नहीं है? हाँ, अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो सेकंड आउटलेट हमारा है जो काचा पूड़ी सर्व कर रहा है। इसके अलावा एक मलाड में आउटलेट जो सर्व करता है, बट उनके पास इतनी वराइटीज़ नहीं है, दे जस्ट वर्क ऑन नॉन वेज काचा पूड़ी, चिकन और एक पे काम कर रहे हैं। मतलब वेज काचा पूड़ी इंडिया में आपके पास ही? वेज में हमारे पास ही आपको मिलेगा। आप काचा पूड़ी अगर गूगल पर सर्च करें तो आपको काचा पूड़ी कहेंगे। ओके सर, आपके शॉप के टाइमिंग्स बता दीजिए। 11 AM to 11 PM है उल्लासनगर की, अदरवाइज थाना इज ओपन टिल 12 इन द नाइट। ओके, अंबरनाथ भी 11 बजे ऑल डे चालू रहता है। ऑल डे। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू।